आज हम आपको एक कुंड की पहेली की पड़ताल पर ले चलेंगे। ये एक ऐसा कुंड है जहां पत्तियां तक पानी में डूब जाती हैं, लेकिन भारी फल पानी में तैरने लगते हैं। लोग कहते हैं कि ये साक्षात शिव का चमत्कार है, लेकिन आज हम पड़ताल करेंगे कि आखिर इसकी पहेली क्या है। एक भक्त ने इस कुंड में 5 अमरूद डाले, 4 अमरूद डूब गए और एक ऊपर आ गया। आखिर इसकी वजह क्या है? ये भगवान का महिमा है, बस। ऐसा चमत्कार मैं बिल्कुल मानती हूँ। यहाँ पर विज्ञान बिल्कुल मौन है। एक पुजारी ने इस कुंड के पानी से बेलपत्र को शुद्ध किया और शिव को समर्पित करते ही बेलपत्र ने कुंड के तल का रुख कर लिया। आखिर ये अजूबा कैसा है? आप सच्चे मन से डालेंगे तो यहाँ प्रसाद के रूप में वापस आएंगी। तो यहाँ इतनी श्रद्धा है तभी तो नीचे चला जाता है। प्रसाद के रूप में आते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। श्रद्धालुओं ने इस कुंड में कई फल अर्पित किए, कुछ डूब गए और कुछ ऊपर आ गए। आखिर इसकी पहेली क्या है? ये भगवान की कृपा है, इससे आगे कुछ नहीं समझा। जी बहुत चमत्कार है। क्या वाकई इस कुंड में साक्षात शिव का वास है? क्या वाकई इस कुंड में अर्पित फलों में से कुछ फलों को देवों के देव ने स्वीकार कर लिया और कुछ फलों को प्रसाद के तौर पर अपने भक्तों को लौटा दिया? क्या वाकई बाकी पानी में बेलपत्र डूबते ही नहीं हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इस कुंड का ही चमत्कार है। इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने रुख किया उत्तर प्रदेश के सीतापुर का, जहां कई तीर्थों में से एक रुद्रावत कुंड में सदियों से चमत्कार होते आने का दावा मिलता है। हिंदुस्तान में शिव के कई ऐसे धाम हैं जहां उनके चमत्कारों को लेकर मान्यता है। उन्हीं में से एक धाम उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। कहा जाता है कि यहां एक कुंड में भगवान शिव का साक्षात वास है और इस कुंड में जो भी फल और पत्ते अर्पित किए जाते हैं वो सीधे शिव तक पहुंच जाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि इस कुंड में जो भी फल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं उनमें से एक या दो फल निकल कर ऊपर चले जाते हैं, जिसे लोग प्रसाद मानकर लेकर चले जाते हैं। तो आखिर इस आस्था का आधार क्या है, आज हम इसी राज की पड़ताल करेंगे। जिस पहेली की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम ने उत्तर प्रदेश का रुख किया, उस पहेली का एक तार जुड़ा है महादेव से। उसी आराध्य से जुड़े एक राज की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम सीतापुर पहुंची। तो अब मैं आप पहुंचाऊँ माता सीता और सूफियों के शहर सीतापुर में। मैं इस वक्त सीतापुर के घंटाघर बाजार इलाके में हूँ और ये शहर का मुख्य बाजार है। जैसा इस शहर के नाम से लगता है, यहाँ कदम कदम पर आपको रामायण से जुड़े तीर्थ मिलेंगे, साथ ही महाभारत काल से जुड़े प्रमाण भी आपको इस शहर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी ये शहर बेहद खास है। इस शहर को सूफियों की धरती के तौर पर माना जाता है, साथ ही ये शहर गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक के तौर पर भी जाना जाता है। 1857 के गदर आंदोलन में भी इस शहर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे गोमती तट पर बने उस कुंड तक जिसका राज हर किसी को हैरान कर देता है। एक राज की पड़ताल हमें एक कुंड तक ले आई, जिस कुंड को रुद्रावत कुंड कहा जाता है और दावा किया जाता है कि इस कुंड में चमत्कार होते हैं। न्यू नेशन की टीम पहुंच चुकी है सीतापुर के उस अनोखे कुंड तक। इस कुंड को रुद्रावत कुंड कहा जाता है और इस कुंड से जुड़ी आस्था है कि यहाँ भगवान शिव विराजते हैं, और इस आस्था के चलते जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, जो फूल और पत्ती इस कुंड में अर्पित करते हैं, माना जाता है कि वो सीधे भगवान शिव तक पहुँच जाते हैं और प्रसाद के रूप में कुछ फल और पत्ती जो ऊपर आ जाते हैं। गोमती नदी के तट पर बना एक कुंड, जिस कुंड का नाम है रुद्रावत कुंड। तो कुंड से चंद कदमों की दूरी पर बना है भगवान भोले शंकर का एक मंदिर, और उसी धाम में हमें एक अलग तरह की आराधना नजर आई। यहाँ पहुंचे भक्त भगवान भोले शंकर को कुंड में फल और बेलपत्र का भोग अर्पित करते नजर आए। भोग के बाद जल पर उतराते फलों को प्रसाद मानकर समेटते नजर आए, शिव का चमत्कार मानते नजर आए, ईश्वर की अलग लीला के गवाह बनते नजर आए। न्यूज नेशन की टीम एक पहेली की पड़ताल में सीतापुर के रुद्रावत कुंड पहुंची थी, और इससे पहले कि हम कुंड के अजूबे का रियलिटी टेस्ट करते, हमने भक्तों के भोग और दावे को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। सीतापुर के इस तीर्थ में लोगों की आस्था पर अजूबा हावी मिलता है। लोग भगवान को भोग अर्पित करते मिलते हैं। भोग लगाने के बाद कुंड में ऊपर आ जाने वाले फलों को हैरत से समेटते मिलते हैं,
और इन्हीं में से एक था भक्तों का ये समूह। भक्तों ने कुंड में बेलपत्र, केला और गेंदे का फूल अर्पित किया। बेल का पत्ता यहां पानी के नीचे चला गया, जबकि दो फल उतराते रहे। महिला श्रद्धालु ने अपने बच्चे से भी जब सेब अर्पित कराया तो सेब भी पानी में उतराता रहा। इसके बाद पांच भक्तों की टोली भी इस कुंड तक पहुंची। सभी ने कुंड में फल अर्पित किए और कुंड में उतराते फलों को देखकर भगवान भोले शंकर का जयकारा लगाते नजर आए। बाकी भक्तों की तरह ही इस महिला ने भी भगवान भोले शंकर को अमरूद और सेब अर्पित किया। सेब ऊपर आ गया, जबकि अमरूद पानी में समा गया। और इसी तरह से दूध की धार कुंड की सतह की ओर जाती दिखी। लोग मानते हैं कि इस कुंड की सतह पर शिवलिंग स्थापित है और ये भोग सीधे शिव तक जाता है। इसमें साधु भी पीछे नहीं रहे। तीन साधुओं ने रुद्रावत कुंड में बेलपत्र अर्पित किए और तीनों बेलपत्र कुंड में गुम हो गए। कुंड में दूध अर्पित किया और दूध की धार भी कुंड के तल की ओर जाती दिखी। ये साधुओं की शक्ति परीक्षा थी और इस शक्ति परीक्षा में कुछ ऐसा हुआ कि न्यूज नेशन की टीम हैरान रह गई। साधुओं ने दो सेब और तीन केले का भोग लगाया, लेकिन केले पानी में उतराते रहे और सेब डूब गए। हमारे सामने सवाल था कि आखिर सेब और केले में कैसा फर्क है। हमारे सामने सवाल था कि आखिर दो सेबों में कैसा फर्क है। आखिर एक सेब जल में क्यों समा गया और दूसरा सेब पानी में उतराता क्यों रहा। वो जो आपकी मन में जो भावना है वो आपका अर्पण कर लेते हैं और जब से प्रसाद देना चाहते हैं तो ऊपर दे देते हैं। ये जल के अंदर जलमग्न हो गए, गुप्त सोम हो गए, वो सोम प्रकट हो गए। यहाँ पर हर किसी की जुबान पर चमत्कार था, हर किसी की जुबान पर फल अर्पित करने की अपनी कहानी थी। जो कह रही थी कि सीतापुर के रुद्रावत कुंड में अजूबा होता है। हमने अनार का फल और केला का फल, अमरूद का फल, ये पांच फल किए थे, जिसमें से दोनों केले जो है वापस आए। रुद्रावत कुंड जो है ये भगवान शिव का पाताल से सीधे कनेक्शन को दर्शाता है। लोगों की जुबान पर एक बार फिर वो ही दावा था। दावा कि जितने फल अर्पित किए उनमें से कुछ फलों को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया और कुछ को प्रसाद के तौर पर वापस भेज दिया। क्या जो चमत्कार सुना था वैसा आपने देखा है? जी, वही चमत्कार हमको मिला है और यहाँ मन की इच्छा पूर्ण होती है। मन में हमारे भगवान शिव की बहुत श्रद्धा थी और यहाँ के चमत्कार को देख कर आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर विज्ञान बिल्कुल मौन है। हमने यहाँ पर बेलपत्र और अमरूद और केला तीन एक साथ अर्पित किए भगवान शंकर को। उसमें से बेलपत्र डूब गई जो नहीं डूबनी चाहिए थी साइंस के हिसाब से, और अमरूद भी जो है डूब गया, केला ऊपर तैरने लगा और वो फल हमें जो है प्रसाद के रूप में मिल गया। तो ये जब आपने चमत्कार देखा तो क्या महसूस हुआ, क्या लगा आपको? ये भगवान की कृपा है कि वो प्रसाद रूप में हमें क्या दे रहे हैं और हमारी श्रद्धा जो है वो उनके सामने आ रही है। इससे आगे कुछ नहीं समझ। स्थानीय पुजारी कहते हैं कि भोले के इस दर तक पहुंचने वाले भक्त प्रसाद के दो थाल खरीदते हैं, एक कुंड में भोले को अर्पित करते हैं तो दूसरा उनके मंदिर में शिवलिंग को। नहीं, यहाँ पे गुप्त शिवलिंग है तो यहाँ पे आपको जो फल दो तीन नीचे से चले जाते हैं उसके बाद में जो प्रसाद के रूप में आते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। हमने दो फल डाले, एक फल मतलब प्रसाद के रूप में हमें मिला और एक फल नीचे चला गया और बेलपत्र वो भी नीचे चले गए पहले डाले। तो आखिर ये कैसी पहेली है, आखिर शिव के धाम का ये कैसा अजूबा है। अगर सेब की फितरत है पानी में डूब जाने की तो वो उतराता क्यों मिलता है। अगर बेलपत्र की फितरत है पानी में तैरते रहने की तो वो क्यों डूब जाता है। आखिर ये विज्ञान का सामान्य सिद्धांत ही है या इस कुंड में पानी की फितरत के उलट कुछ होता है। हमारे सामने सवाल था कि क्या वाकई सीतापुर के रुद्रावत कुंड में
कोई अजूबा होता है, और हमने इसी अजूबे की रियलिटी टेस्ट करने की ठानी। हमने भी रुद्रावत तीर्थ से फल लिए और पुरोहित से आग्रह किया कि भगवान शिव के इस तीर्थ की खासियत दिखाएं। क्या वाकई केले की फितरत होती है पानी में तैरना? ये ऐसा सिर्फ यही होता है? क्या वाकई अमरूद की फितरत होती है पानी में डूब जाना? अर्पणम प्रसादम, अर्पणम प्रसादम। बेलपत्र की फितरत ही होती है पानी में डूब जाना, या हकीकत कुछ और है? क्या वाकई पानी में कुछ सेब डूब जाते हैं तो कुछ उतराते भी रहते हैं, या फिर यहाँ कुछ उलट होता है? इन सवालों की पड़ताल के लिए हमने रियलिटी टेस्ट करने की ठानी, और बाकी भक्तों की तरह हम भी प्रसाद लेने के लिए दुकान पर जा पहुंचे। शिव के इस धाम की पड़ताल करने के लिए मुझे सबसे पहले फल और बेलपत्र खरीदना होगा जो भोग के तौर पर रुद्रावत कुंड में अर्पित किया जाता है, और फल और बेलपत्र की वो दुकानें हैं जो रुद्रावत कुंड के पास लगी हुई हैं। जी, केला है, सेब है, अमरूद है, दूध है। ये डाला जाता, दूध डालोगे जल में वो मिक्स नहीं होता, सीधा अंदर जाता है गुप्त शिवलिंग में। इसमें जहाँ पाँच फल है, दो तीन फल आप नीचे चढ़ाइए और ऊपर मंदिर में चढ़ाया जाता है, और मंदिर में स्वयं शंभू है। भोले को भोग लगाने के लिए प्रसाद देने के बाद न्यूज नेशन की टीम रुद्रावत कुंड तक पहुंची और भोले को भोग अर्पित करना शुरू कर दिया। अब हम गोमती तट पर स्थित रुद्रावत कुंड पहुंच चुके हैं, और हम अपनी पड़ताल शुरू करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई रुद्रावत कुंड के बारे में जो मान्यता है, जो चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है, क्या वाकई ऐसा हो पाता है। और हम देखने की कोशिश करेंगे जो इस कुंड की जो मान्यता है और जो चमत्कार की बात यहाँ कही जाती है, क्या वाकई ऐसा होता है। महाराज जी, जो पूरी प्रक्रिया है वो हमारे कैमरे पर हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। महाराज जी ने अपने हाथ में जो बेलपत्र लिया हुआ है, पहले जल का आचमन उन्होंने कराया, अब उसके बाद इसको प्रवाहित करेंगे, भगवान शिव को अर्पित करेंगे। चूंकि कहा यही जाता है कि रुद्रावत कुंड में जो जो गुप्त शिवलिंग है, भगवान शिव यहाँ पे विराजते हैं, तो महाराज जी जो अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद अब देखते हैं कि क्या वाकई ये नीचे चला जाता है बेलपत्र, या पानी की सतह पर ऊपर तैरता रहता है। अमूमन देखने में आता है कि बेलपत्र जैसे हल्की जो पत्ती है वो पानी की सतह पर तैरती रहती है, लेकिन अब ये धीरे धीरे कुंड में नीचे जा रहा है, एक तरह से कहा जाए कि सिंक हो रहा है, तो गलत नहीं होगा, और निचली सतह पर जाके जो है बेलपत्र बैठ गया है। तो पहला जो अनुभव है हमारा अभी तक सही साबित हो रहा है। बेलपत्र के बाद बारी आई फलों के भोग लगाने की, और हमने भी पांच फल भोले को अर्पित कर दिए। अब ये पांच फल हैं जिनको जो यहाँ के सेवायत पुजारी हैं वो अर्पित करेंगे, और देखते हैं कि क्या भगवान शिव जो है इनको भोग को स्वीकार करते हैं और फल के तौर पर हमें क्या वापस देते हैं। अर्पणम प्रसादम कह के महाराज जो है अर्पित कर रहे हैं। पांच फल डाले थे, अमरूद अभी नीचे रह गया है, दो सेब ऊपर हैं, दो केले ऊपर आ गए हैं पानी की सतह पे। ये आपका स्वीकार कर लिया, ये प्रसाद दे दिया आप। ये भोले बाबा के ही सत्य है, वो स्वीकार नहीं होगा तो प्रसाद होना माना जाता, वो अर्पण होगा, ये प्रसाद हो गया आपका। इस रियलिटी टेस्ट में दो केले, दो सेब सतह पर तैरने लगे, लेकिन अमरूद डूब गया। इस प्रक्रिया में अभी हैरान होने की बारी बाकी थी। स्थानीय पुजारी हमारे लिए फलों का भोग लगाते रहे, भगवान भोले शंकर की महिमा सुनाते रहे, और हैरान कर देने वाले दावे करते रहे। इसी दावे को परखने के लिए हमने सिर्फ अमरूदों का भोग लगाने का फैसला किया। हमारे सामने सवाल था कि जो अमरूद लगातार डूब रहे हैं, उनमें से भगवान हमें कोई प्रसाद देंगे क्या? मैं इस वक्त रुद्रावत कुंड पे हूँ, और मेरे साथ यहाँ के जो सेवायत पुजारी हैं श्री राम बाबा दास, वो इस वक्त मौजूद हैं। अब हम पड़ताल का पहला जो चरण है वो हम शुरू करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि रुद्रावत कुंड के बारे में जो कहा जाता है और जो ये मान्यता है, क्या वाकई ऐसा हो पाता है। सात फल हैं पहुँची से, ये बेल फल चढ़ेंगे, शिकार होगा तो अंदर जाएगा, प्रसाद मिलना तो ऊपर आएगा, बेल पत्ती शिकार होगा सीधा जाएगा अंदर, दूध चढ़ाएगा सीधा अंदर जाएगा। पांच अमरूद यहाँ पे उनके हाथ में लिए हुए हैं, वो अब रुद्रावत कुंड के अंदर अपना सौंपेंगे, अर्पित करेंगे। अब देखते हैं क्या वाकई ये प्रसाद के तौर पर स्वीकार होते हैं, ऊपर आते कि नहीं। अर्पणम प्रसादम, अर्पणम प्रसादम, अर्पणम प्रसादम, अर्पणम प्रसादम। अब देखिए, हमने पांच जो अमरूद हैं वो रुद्रावत कुंड में अर्पित किए हैं, और हमने अर्पणम प्रसादम, अर्पणम प्रसादम, हमने जो जो यहाँ की जो मान्यता है जो कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि एक जो अमरूद है, चूँकि पांच अमरूद हमने नीचे अर्पित किए थे, अब एक अमरूद जो प्रसाद के तौर पे पानी की सतह पे ऊपर आ चुका है। अमूमन देखा जाता है कि जब अमरूद जैसा कोई भारी फल जो है जब किसी जल में, जल की धारा में प्रवाहित किया जाता है तो नीचे जाके बैठ जाता है, लेकिन ये पानी की सतह के ऊपर आ चुका है। वाकई इस बार शिव के धाम में जो कुछ हुआ वो एक अजूबा था। न्यूज नेशन की टीम ने कुंड में पांच अमरूद अर्पित किए
और पांचों कुंड में समा गए। लेकिन तभी एक अमरूद पानी से निकलकर बाहर आता दिखा और पांचवा अमरूद हमें प्रसाद के तौर पर मिल गया। तो आखिर इस कुंड की ये कैसी पहेली है? अगर चार अमरूद शिव को अर्पित हो गए तो पांचवा क्यों नहीं? क्या ये कुदरत के ही रचे हुए नियम है या फिर भोले का चमत्कार? सीतापुर के रुद्रावत कुंड की हमारी पड़ताल अभी अधूरी थी। अधूरी इसलिए कि एक कुंड में हमें कुछ फल तैरते दिखे, कुछ डूबते दिखे, लेकिन हमने इस पड़ताल को आगे बढ़ाया और ये जानने की कोशिश की कि बाकी जगहों पर होता क्या है। न्यूज नेशन की इस पड़ताल में पांच अमरूद पानी में समा गए, लेकिन कुछ ही देर में एक अमरूद बाहर आता दिखा। रुद्रावत कुंड में भक्तों ने सेब का भी भोग लगाया, लेकिन कोई सेब डूब गया तो कोई बाहर आ गया। अब हमारे सामने सवाल था कि क्या कुंड के अंदर जो अजूबा होता है वो कुंड के बाहर भी होता है, और इसी राज की पड़ताल के लिए हमने गोमती नदी का रुख किया। एक नाव से न्यूज नेशन की टीम गोमती की धारा के बीचों बीच जा पहुंची। हम इस वक्त गोमती नदी के बीच में हैं और हमारे ठीक पीछे वही कुंड है, गोमती तट पर बना हुआ रुद्रावत कुंड है। वहां हमने देखा था कि जो भारी फल वहां अर्पित किए गए थे वो भी पानी की सतह पर ऊपर आ गए थे, और जो हल्के जो पत्ते थे, जो बेलपत्र उसमें डाले गए थे, वो सीधे सिंक हो गए थे, उसमें समा गए थे। वजह यही बताई जा रही है कि जो मान्यता है जो भगवान शिव तक सीधा वो प्रसाद जो है पहुंच जाता है। तो अब चूंकि हम गोमती नदी के बीच में, अब जानने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में गोमती की जो धारा है, गोमती का जो जल है, इसमें किसी भी जगह जो फूल और फल और जो पत्ती हैं वो डाली जाएं, क्या वाकई में वैसे वही चमत्कार जो रुद्रावत कुंड में हुआ था वो यहाँ देखने को मिलेगा। इस वक्त देखिए मेरे हाथ में ये जो बेलपत्र है और इसके अलावा धतूरा है, तीन अमरूद हैं और एक केला है। इस बेलपत्र को प्रवाहित कर रहा हूँ जो गोमती की धारा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसा विज्ञान का सिद्धांत है, क्योंकि जो हल्के जो पत्ते होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते हुए जाते हैं, तो बेलपत्र जो हमने जो छोड़ा है वो गोमती की धारा में तैरता हुआ जा रहा है। तो जैसा हमने वहाँ देखा था वो ठीक उसके उलट यहाँ पे देखने को मिला है। अब चूँकि धतूरा है और तीन अमरूद और एक केला, अब इसको हम एक साथ गोमती की धारा में डालेंगे। ओम नमः शिवाय। अब देखिए धतूरा ऊपर आ गया है और केला ऊपर आ गया, जो तीन जो अमरूद थे वो गोमती नदी के जो अंदर चले गए हैं वो ऊपर नहीं आए, और वहाँ चूँकि रुद्रावत कुंड में हमने देखा था कि जो भारी से भारी जो फल थे वो भी ऊपर आ जाते थे, उसके पीछे जो चमत्कार हमें देखने को मिला था बताया यही जाता है कि चूँकि शिव विराजते हैं और सीधा प्रसाद भगवान शिव तक पहुँचता है। इस रियलिटी टेस्ट के साथ ही हमारी आस्था की परख ने विराम ले लिया। हम नदी से वापस लौट आए ये देखकर कि जो बेलपत्र कुंड में डूब जाता है वो गोमती नदी में तैरता हुआ चलता है, जो धतूरा और बेलपत्र कुंड में ही उतराते रहते हैं वो गोमती नदी में तैरते तैरते आंखों से ओझल हो गए। सीतापुर के इस अनोखे कुंड के पड़ताल के दौरान हमने देखा कि जो बेलपत्र रुद्रावत कुंड में सीधे नीचे समा जाते हैं वही बेलपत्र गोमती नदी के बीचों बीच पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, और जो दूध की धार रुद्रावत कुंड की मान्यता के अनुसार सीधे नीचे चली जाती है वही दूध की धार जो है गोमती नदी में बीचों बीच तैरने लगती है। ये रुद्रावत कुंड की मान्यता है। हालांकि कई बार वैज्ञानिक आधार पर इसकी दलीलें भी दी जाती हैं, कई बार इसका अपवाद भी देखने को मिलता है, लेकिन ये आस्था है और आस्था का कोई पैमाना नहीं होता, कोई मापदंड नहीं होता, आस्था को किसी कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। इसके वैज्ञानिक राज चाहे जो भी रहे हो, लेकिन आस्था कहती है कि ये शिव का धाम है जहां सदियों से चमत्कार देखने को मिलते हैं। शिव के इस धाम में बेलपत्र तक डूब जाते हैं जबकि सेब तैरते हुए नजर आते हैं। शिव के इस धाम में चढ़ाए गए भोग में से कुछ को ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं और कुछ प्रसाद के तौर पर वापस भेज दिए जाते हैं। ये कैसी आस्था है जिसका हल आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। सदियों पुराने इस कुंड में भक्तों को चमत्कार नजर आता रहा है और आता रहेगा। तो ये थी सीतापुर के रुद्रावत कुंड की पड़ताल। आज के शो में बस इतना ही।